Hey guys, what's up? This is Pearl and this is going to be a very very special video because it is personally very close to my heart. तो आज हम लोग आए हुए हैं देहरादून in the PW विद्यापीठ. And I don't think कि PW को कोई introduction चाहिए. Everybody knows about it. So we thought why not visit the nearest PW विद्यापीठ और आप लोगों को बताया जाए कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हाउ इज़ द फैकल्टी, हाउ इज़ द स्टूडेंट रिव्यू, कैसा इंटरेक्शन रहता है पेरेंट्स के साथ में, एंड वी विल गिव यू अ टूर ऑफ दिस विद्यापीठ. सो या लेट्स स्टार्ट इट, लेट्स गो इन एंड वी विल गिव यू अ टूर ऑफ PW विद्यापीठ देहरादून. So as soon as we enter, we have this reception area जहाँ पर सारा interaction होता है and you can ask them about anything you want to know and let's move on. यहाँ पर हमारे पास में cabins हैं बने हुए for the faculty and we have some staff rooms also there. So आइए and we will show you the complete cabin. हम लोग चलते हैं विद्यापीठ के फर्स्ट फ्लोर पे एंड हमने सुना है कि यहाँ पे अच्छे सेपरेट डाउट क्लियरिंग रूम्स भी होते हैं स्टूडेंट्स के लिए एंड मे बी कुछ स्टूडेंट्स से हमारा इंटरेक्शन भी हो जाए और उनसे बात कर सके अबाउट देयर इंटरेक्शन. तो लेट्स गो, हम आपका थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं एंड वील हैव अ क्विक रिव्यू ऑन PW विद्यापीठ एंड उनका जो स्टडी मटीरियल है. तो अभी आप कौन से बैच से हैं? मैं फास्ट ट्रैक नीट बैच से हूँ. ओके, तो अभी आप नीट 24 के लिए अपियर होने वाले हैं. यस. So what are you studying now? As for now, I am studying zoology. Or can I have a look on your modules? Yes, sure. So हम लोग देख सकते हैं कि इनकी modules कितनी ज़्यादा like concise हैं and like 3-4 pages में the chapter has been wrapped up and after this we have questions also where we have level 1 and level 2. And past 5-year questions are also given. So, if I'm not wrong, please correct me. These modules are a complete thing that you need for your. Yes, profession. Basically, I am a fast track student. तो वही है कि बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना है. तो उस वजह से ये हमने सोचा था कि हमें ऐसा मॉड्यूल चाहिए था जो बहुत मतलब एकदम स्पार्क नोट्स की तरह हो. इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं. इट हैज़ असर्शन रीजन. एवरी पॉसिबल क्वेश्चन दैट कैन कम. सो इट्स अ कम्प्लीट प्रैक्टिस मॉड्यूल. सो मॉड्यूल्स तो हमें बहुत पसंद आए एंड व्हाट इज दिस आई कैन सी दिस इज मैम दिस इज DPP. ओके, डेली प्रैक्टिस पेपर. सो यार इन लोगों को DPP भी मिलती है एंड कैन आई लाइक सी इट? या यू कैन सी. ओके, सो दिस इज़ द DPP वेर वी हैव लाइक 15-20 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज पर चैप्टर. देयर आर डिफरेंट DPPs लाइक टॉपिक वाइज. अ टीचर इफ द टीचर हैज टॉट अस टिल प्रोटोजोअन डिजीजेस, सो ये फर्स्ट DPP यहां तक है. देन सेकेंड DPP ये वाला है. मतलब इट्स अकॉर्डिंग टू द टॉपिक. जैसा टॉपिक होता जाएगा हम DPP करते जाएंगे एंड वी हैव अ डिफरेंट ऐप फॉर सॉल्विंग द DPP. हम ऐप पे जाएंगे, उसको भरेंगे DPP को एंड देन हमें ऐप पे ही मिल जाएगा कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं. वैसे हमें यहाँ भी मिल जाएगा टीचर्स डाउट क्लियर करते हैं, लेकिन बेस्ट ये कि ऐप पे वो रिकॉर्ड हो जाता है. सो आई कैन नो दैट इस DPP में मेरा ये वाला सेक्शन कमज़ोर था तो मैं उसको वापस रिवाइज कर सकती हूँ. ओके ओके, सो इस DPP के सॉल्यूशंस लाइक आपको कहाँ मिलेंगे? फर्स्ट ऑलरेडी इट्स देयर बट इट इज़ विद द टीचर्स बिकॉज दे डोंट प्रोवाइड अस, अदरवाइज वी विल नॉट आस्क डाउट्स. तो या तो टीचर्स से हमें मिल जाता है या फिर हमें डायरेक्ट ऐप पे मिल जाता है. तो वहाँ हमें डेस्परेटली सॉल्व नहीं करेंगे तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा. तो ये हमारी प्रैक्टिस को इन्हांस कर देता है. कुछ बाकी स्टूडेंट से बात करके हमें पता लगा कि DPPs के साथ में वीडियो सॉल्यूशंस भी होते हैं. यस, बेसिकली हमारे ऐप में काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो वहाँ पे हमें वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, DPP के आंसर्स भी मिलते हैं एंड देयर इज़ वन मोर थिंग नोन एज इन्फिनिटी लर्निंग, इनफाइनाइट लर्निंग आई गेस. उसमें क्या है कि जैसे मान लो मेरा एक टॉपिक वीक है तो मैं खुद ही एक क्विज क्रिएट कर सकती हूँ उसी टॉपिक का बन के आ जाएगा. ऑब्वियसली कोई ना कोई टॉपिक हम नीट स्टूडेंट्स, हमारा फिजिक्स वीक रहता है तो हम उस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं. मतलब उसमें बहुत अच्छा है वो. वन लास्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू आस्क यू इज दैट हाउ इज़ योर इंटरेक्शन विद योर टीचर्स? आई मीन टीचर्स कितने ज़्यादा फ्रैंक और कोऑपरेटिव हैं या फिर आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर करते हैं या नहीं?
टीचर्स काफ़ी कोऑपरेटिव है, मतलब दे सिट हेयर फॉर 9 आवर्स, तो 9 आवर्स में से उनकी क्लास 1.5 आवर हमारे साथ होती है. उसके अलावा कभी भी हम जाते हैं तो वो मना नहीं करते. इवन इफ दे आर डूइंग लंच देन ऑल्सो दे स्टैंड अप एंड टीचर्स. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरा जूलॉजी और बॉटनी ठीक था, मतलब दोनों ही ठीक था, बट ये मेरा इंटरेस्ट बहुत मेंटेन रहा है. यहाँ पे जूलॉजी के सर हैं जय सर एंड आकाश सर बॉटनी के, उन्होंने मेरा इंटरेस्ट एकदम मेंटेन करके रखा है. मतलब नाउ आई हैव अ बैलेंस इंटरेस्ट इन बोथ जूलॉजी एंड बॉटनी. इनऑर्गेनिक में थोड़ा वीक था, ऑर्गेनिक भी, तो केमिस्ट्री वाले जो सर हैं पीयूष सर, ही हैज़ मेड इट थिंग्स ईजी फॉर मी. एंड स्पेशली फॉर फिजिक्स, यू नो वी आर नीड स्टूडेंट्स, तो फिजिक्स थोड़ा वीक रहता है, और जो हमारे टीचर हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं और बहुत वाइज हैं, तो उन्होंने चीज़ें धीरे धीरे हमें सिखा दी हैं. तो आई थिंक अब मेरा नीट काफ़ी अच्छा जा सकता है. आई कैन स्कोर 600-650 प्लस इन नीट बिकॉज ऑफ माई टीचर्स. सो हमने देखा कि इनके पास DPPs भी हैं एंड इनके पास एक पर्टिकुलर ऐप है, दैट इज़ इनफिनाइट प्रैक्टिस, वेयर दे कैन हैव क्वेश्चंस ऑन एनी टॉपिक एनी टाइम और प्रैक्टिस कर सकते हैं उस चैप्टर पे. नाउ लेट अस मीट सम ऑफ द फैकल्टीज ऑफ PW विद्यापीठ और उनसे जानते हैं कि उनका और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन यहाँ पर कैसा है. तो यहाँ पर अभी जो फैकल्टी है वो डाउट्स क्लियर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के. हम उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बट फिर भी कुछ चीज़ें हम उनसे जानते हैं. सर आप यहाँ पर फैकल्टी हैं? मैं फैकल्टी हूँ बॉटनी, यहाँ फैकल्टी बॉटनी आकाश कुमार. तो अभी इनका जो बैच है वो, जैसा इनसे बात करके हमें पता चला कि इनका अभी क्रैश कोर्स वाला बैच चल रहा है, तो आपका और स्टूडेंट्स का इस समय इंटरेक्शन कैसा रहता है? इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा है. हम बच्चों के कम टाइम हमें मिला है तो हम बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा डाउट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अभी जिस टाइम पे हमारा बैच चल रहा है वो बिल्कुल स्पेसिफिक है, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट बहुत कम है और हमें कम टाइम पे सारा सिलेबस कंप्लीट करना है. तो हम टू द पॉइंट, जैसे बॉटनी की बात करें तो टू द पॉइंट NCERT फोकस रहता है. ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को, जिससे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके. और PW में एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि क्लासेस के बाद बच्चों को लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाते हैं, तो कोई बच्चा अगर क्लास मिस करता है तो उसको वो लेक्चर दोबारा मिल जाते हैं. साथ ही साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सारे DPPs वगैरह जो भी क्लास में हो रहे हैं, नोट्स वगैरह सारे अवेलेबल हैं. तो कोई बच्चा इन केस अगर क्लास नहीं आ पाता है तो घर से भी लेक्चर्स को अटेंड कर सकता है. सारे DPPs मॉड्यूल्स वहाँ पे सारे अवेलेबल, तो सॉल्व कर सकता है. तो सर यहाँ आने से पहले मैं देख रही थी कि इनका मार्गदर्शक करके कुछ एक वो है जिसमें इन लोगों के मेंटली इनको प्रिपेयर किया जाता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मार्गदर्शक PW ने एक अलग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसमें हम बच्चे के इंडिविजुअल ग्रोथ के बारे में ख्याल करते हैं. मतलब कि एक बच्चे के पर्सनल कैसे डाउट्स हैं, एक बच्चा मतलब किस चीज़ में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्ट्रगल कर रहा है, तो हर बच्चे को एक टीचर असाइंड होता है जो उस टीचर से उस बच्चे से पर्सनली बात करता है कि किस पर्टिकुलर टॉपिक में उसको दिक्कत है, किस सब्जेक्ट में उसको टॉपिक है, क्या वो किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है. क्योंकि आपको पता है कि कम्पिटेटिव एग्जाम के दौरान बच्चे काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, तो अगर बच्चा किसी प्रकार के स्ट्रेस में है तो वो टीचर से खुल के बात कर सके. मार्गदर्शक का सबसे बड़ा अहम मुद्दा यही था कि बच्चे खुल के बात नहीं कर पाते अपने फैकल्टीज या टीचर से, सारे कंसर्न्स नहीं बता सकते. कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है या मेंटल प्रॉब्लम होती है, किसी भी स्ट्रेस से गुजर रहा है, तो बच्चा 1-to-1 टीचर से बिल्कुल बात करे एक दोस्त की तरह, ताकि उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो. और इसी वजह से ही मार्गदर्शक हमने ये लाया होता. तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो PW ने लिया है. अब बात करते हैं कि लाइक स्टूडेंट्स और टीचर्स का इंटरेक्शन तो एक जगह पर है, बट क्या टीचर्स और पेरेंट्स में भी कुछ ऐसा इंटरेक्शन टाइम टू टाइम होता रहता है? बिल्कुल, यहाँ पे PW में हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे हम पेरेंट्स को बुलाते हैं और हमारे पास वहाँ पे, जैसे हम वहाँ पे रिजल्ट्स एनालिसिस होती है कि आपका बच्चा किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है. क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि जैसे अदर इंस्टीट्यूट की तरह कि आपने फीस डिपॉजिट कर दी तो आपका काम खत्म हो गया. आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा किस स्टेज में परफॉर्मेंस की, क्योंकि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग तो आपको रिजल्ट दिखना चाहिए. तो हम रेगुलरली फोर्टनाइट टेस्ट के बाद हम PTM ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि हम पेरेंट्स को ये बता सके कि आपका बच्चे को किस चीज़ में प्रॉब्लम. क्योंकि बस क्लास में आप बच्चों को भेज देते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं आपके बच्चे रिजल्ट डिलीवर कर दे, वो नहीं होता है. पेरेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है बच्चे के डेवलपमेंट में. तो PTM के द्वारा हम वही बच्चों के रिजल्ट के असेसमेंट करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, उनको बताते हैं कि आपका बच्चा किस चीज़ में स्ट्रगल कर रहा है. और हम आपको, जैसे कि होता है कि टीचर के अलावा पेरेंट्स के भी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, जबकि पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं ड्यू टू आम के रीजन्स होते हैं. तो वो ज़रूरी है कि पेरेंट्स इन्वॉल्व हों अपने बच्चे के डेवलपमेंट में और उनको पता चले कि उनका बच्चा किस स्टेज में है डेवलपमेंट की, ताकि अगर वो कोई और स्ट्रेस से गुजर रहा हो तो पेरेंट का सपोर्ट भी बहुत बड़ा जरूरी है. टीचर तो हम यहाँ पे आके सपोर्ट करेंगे, लेकिन पेरेंट्स जो घर पे सपोर्ट करते हैं वो बहुत ज़रूरी, एक सपोर्ट वो भी सपोर्ट का बहुत ज़रूरी है.
बहुत सही कहा आपने, क्योंकि पेरेंट्स से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नीड सिर्फ पढ़ाई की जर्नी नहीं होती, इसमें काफ़ी सारे मेंटल डिस्टर्बेंसेस भी आते हैं जिसमें पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एक बात आपने कही कि स्मार्ट क्लासरूम्स हैं एंड जो भी लेक्चर चलता है वो सारा रिकॉर्ड हो जाता है, तो दिस इज़ द कैमरा आई गेस जो कि रिकॉर्ड करता है सब कुछ एंड एवरी थिंग आई थिंक इज़ कन्वर्टेड इन टू PDF और उसी टाइम पर ये स्टूडेंट्स के ऐप्स पर आ जाता है और उनको आज के लेक्चर की PDF भी मिल जाती है। सो दिस इज़ वन थिंग दैट PW विद्यापीठ ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि अगर किसी स्टूडेंट का क्लास मिस भी हो जाता है सो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसे रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो सेम फैकल्टी से मिल जाएगा एंड नोट्स पे मिल जाएंगे जो भी होता है। तो अभी हमने एक फैकल्टी से बात करी, अब देखते हैं कि इनके जो क्लासरूम्स वगैरह या डाउट रूम्स हैं वो कैसे हैं। तो ये एक डाउट रूम है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स सी, यहाँ पर एक बच्ची बैठ के पढ़ाई कर रही है, उसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं और उससे पूछते हैं, सॉरी थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे हम लोग। एंड अभी आप कौन से क्लास में हो? मैं अभी ड्रॉपर्स में, ड्रॉपर बैच में हूँ। ओके, तो ये जो आपका बैच है ये कब स्टार्ट हुआ था? ये हमारा फास्ट ट्रैक है तो नवंबर से स्टार्ट हुआ था। ओके, तो अभी आज आई कैन सी कि आप DPP सॉल्व कर रहे हो। टेस्ट पेपर? अच्छा, टेस्ट पेपर है, ठीक है। तो कैसे टेस्ट होते हैं यहाँ के, लाइक क्या लेवल रहता है, नीट से मैच करता है, लाइक अच्छे टेस्ट होते हैं, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन के बारे में कुछ? हाँ, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन अच्छे होते हैं, नीट के जो स्टैंडर्ड है उससे काफ़ी थोड़ा ऊपर होता है, अब लेवल होता है ताकि हमारे पे ताकि हम अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ इसलिए। ओके, एंड कुछ लाइक DPPs के बारे में आप कहना चाहते हैं, आपके पास DPP का कोई सैम्पल हो तो? DPP का सैम्पल तो अभी मैंने अपना, कोई बात नहीं, स्टडी रूम में आई हूँ तो मैंने जो मेरा बैग मार्क। इट्स ओके, इट्स ओके, हम और किसी से बात करेंगे। एंड मॉड्यूल्स वगैरह कैसी हैं यहाँ की? मॉड्यूल्स अच्छी हैं, उनमें भी लेवल है, लेवल 1 और लेवल 2 और लास्ट पे PYQs है। लेवल 1 थोड़ा मतलब मीडियम लेवल की है, लेवल 2 में क्वेश्चंस वो काफ़ी अच्छे हैं और उसके बाद रैंक बूस्टर MCQs हैं, देन PYQs हैं। ओके, मतलब क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं होती। और टेस्ट्स कितने फ्रिक्वेंटली होते हैं? अभी तो सिलेबस अभी हमारा फास्ट ट्रैक है तो अभी टेस्ट एकदम 21 डेज वाला है, पर अब कुछ टाइम बाद हमारा वीकली आने वाला है। ओके ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ऑल द बेस्ट। विल शो यू द क्लासरूम्स हेयर इन PW विद्यापीठ विच आर ऑब्वियसली स्मार्ट क्लासरूम्स, जहाँ पर आपको दिखेगा कि टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज़ कैसे किया जा सकता है। एंड वी ऑल्सो हैव अ कैमरा ओवर देयर जहाँ पर पूरा का पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो जाता है एंड इवन इफ़ अ स्टूडेंट मिस द लेक्चर उसके बाद भी उसके ऐप पर ये लेक्चर जो है बाय द सेम फैकल्टी अपलोड हो जाएगा और वो उसे कभी भी देख सकता है। एंड ऑल्सो द गुड थिंग इज़ दैट कि जो भी टीचर यहाँ पर लिख रहा है वो PDF में कन्वर्ट होकर अपने आप ही ऐप पर चला जाता है PW के, विच इज़ बाई फार द बेस्ट फीचर दैट आई लाइक, क्योंकि बच्चे को फिर नोट्स बनाने की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। We'll talk to the center head of PW विद्यापीठ देहरादून और उनसे जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं विद्यापीठ के बारे में। आपको यहाँ पर क्या जो है ऐसी चीज़ें लगी जो कि यूनिक है टू PW विद्यापीठ एंड जो आपने कहीं और अपने एक्सपीरियंस में ना देखी हो? बच्चों के क्लास में एंगेजमेंट बेहतर करने के लिए हमारे पास कई सारे ऐप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रेरणा, मार्गदर्शक, दंगल क्विजेज, ठीक है, एंड इनफाइनाइट प्रैक्टिसेस, ये हमारे बेस्ट है। सो ऑल इन ऑल इट वाज अ क्रेजी एक्सपीरियंस विजिटिंग PW विद्यापीठ, बट आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, इफ यू अवेल नाउ यू विल गेट अ फ्लैट 15% ऑफ एंड ओवर दैट इफ यू यूज माय कूपन कोड PRL1K यू विल गेट एन एडिशनल 1500 ऑफ। तो यार वेट किसका कर रहे हो, फॉर मोर डिटेल्स क्लिक ऑन दिस लिंक और यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। चलो चलो, बाय, सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो।